जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि हमारी अगली इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर है, क्या होने जा रहा है, और मैं भी इसलिए ज़्यादा समझ लें कि एक्साइटेड कह लें कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिस पे हम मौके पर पहुँच गए। पूरा ऑफिस सेम डे खाली हुआ, सेम डे हम पहुंचे और हमसे पहुंचने से कुछ देर पहले ही जी पूरा दफ्तर खाली, तमाम एम्प्लॉयज जो हैं बेचारे वो डर के मारे भाग गए वहां से। हाईवे के करीब जी हम आगे जाते हैं, हमारी सब्जी मंडी जहां शुरू होती जी है जी। उससे पहले आबादी है बहुत सही, तो वहां पर ना एक इलाका है जिसमें अस्पताल भी है और इस तरह के दफातर की भी जगह दी जाती है, गोदाम भी है कि आप वहां पर बैठ के अपने काम करें, थोड़ी सी दूर आबादी भी है। लेकिन मैंने महसूस किया कि शाम में ही मुझे बहुत वीरानियत नजर आई वहां पर, शाम में ही। रात में तो समझने सिर्फ जानवर थे और हम थे। अच्छा, इतना जंगल, इतने शहर के करीब। आप यकीन नहीं करेंगे, जो साथ अस्पताल है ना उसकी टाइमिंग पता है क्या है? क्या? सुबह 8 से दोपहर 12। ये कैसी टाइमिंग है हस्पताल की? अस्पताल तो 24 घंटे चलता है सर, मतलब हस्पताल है, गवर्नमेंट ऑफिसर है। अगर खुदा ना खास्ता 8 से 12 कोई तकलीफ है तो ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएंगे स्कूल की टाइमिंग है ये तो। स्कूल की भी नहीं है यार, अस्पताल की टाइम। आप अंदाजा लगा लें कुछ इलाके में किस कदर एक वीरानियत है। ये देखें ये सामने दफ्तर हम पहुंचे हैं। अच्छा, दफ्तर जैसे ऑडिट होते हैं ना, कुछ दिन ऑडिट के होते हैं, आखिरी डेट्स होती हैं ऑफिस की, तो उसमें आपको रुकना पड़ता है थोड़ी देर तक। तो उससे पहले नहीं थे मामला, लेकिन जहां वो रुके ना बेचारे शाम के बाद, तब उन्होंने कहा हाँ यार ये चौकीदार जो कहते थे सही कहते थे, यहाँ से निकलो। अच्छा, ये जनाब ये दिन के चौकीदार हैं। अच्छा, ये दिन के चौकीदार हैं, ये रात के चौकीदार हैं। इन्होंने ही हमें हैरान कर दिया, दिन वाले ने ही हैरान कर दिया, रात वाले पे तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या हुआ। दरअसल इससे पहले जी यहाँ पर पीछे ही ना इन्होंने कोचिंग सेंटर भी खोले थे, होता ना रेंट पे देनी आपको। सही। दूर आबादी है, बच्चे आए, कोई कोर्स करवा दिया आपको, मॉनिटर्स सिस्टम्स बहुत सारे रखे हुए थे, लैब वगैरह कंप्यूटर जी, लेकिन सर वो भी वहां से गए। अच्छा, ये रात के चौकीदार हैं। अच्छा, और ये बता रहे हैं मुझे इस दरख्त के मुतालिक। दरख्त के मुतालिक शिराज भाई, ये देख रहे हैं दरख्त पे आप, अगर शायद आपको नजर ना आए आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ये छत है सर, ये तेल है, तेल, तेल है, तेल दरख्त पे क्यों है? थैली के अंदर। अच्छा, वो यहाँ से लगा था, छत्ता बना हुआ है जी। ये सर तेल है, थैली का पैकेट है जिसमें तेल है, कहते हैं यार यहाँ पर लोग फेंक जाते हैं। अच्छा, सबके नहीं फेंकते हम। सही, कहते हैं कभी क्या लटका होता है, कभी क्या लटका होता है इस दरख्त के अंदर, नहीं करना चाहिए ऐसा। सदका वीराने में फेंकना चाहिए, चौराहे पे फेंकना चाहिए, ऐसी यार जगह पे नहीं फेंकना चाहिए। सज्जाद भाई, तेल तो सदके में कभी नहीं देखा मैंने यार, अमल में तो वैसे सुना अमल में, लेकिन वो तो बुरे अमल में डाला जाता है, चिरागों की रोशनी में डाला जाता है। लेकिन अब हो क्या रहा है इन वजूहात से? शायद इन वजूहात से शायद हो क्या रहा है, ये चौकीदार भाई बता रहे हैं हमें कि रात को ये दरख्त पूरा हिल रहा होता है। अच्छा, यहाँ से इनको गड़बड़ महसूस होती है, इधर आते हैं तो ऐसे शर 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 शर, एक तो वो होता है ना आंधी आई है, हवा चल रही है, सारे पत्ते हिलते हैं सर, एक वाइब्रेशन होती है दरख्त के अंदर। अच्छा, जैसे कोई इनमें है जो मौजूद, लेकिन इतना तनावर खड़ा हुआ है, अगर वो इतना हिलता है तो ये तो उसका कोई झुक जाना चाहिए, इसको जमीन से जुड़े कमजोर पड़े। दरख्त है कौन सा दरख्त है? मुझे इसके तने से लगा था, मैंने कहा नहीं क्योंकि हमने आपको, मैंने बताया था हम ऐसे घर में रहे जहाँ बेरी का पेड़ है, तो उसका तना ऐसा था। अब मुझे भी ये याद क्या शायद कहा तो इन्होंने बेर का, मुझे याद शायद इन्होंने कहा था। तो भाई ये बता रहे हैं कि ये पूरा दरख्त ऐसे जो है ना हिलता सही है। दिन वाले चौकीदार जो हैं ये बता रहे हैं, मैं देखिए यहाँ ये यहाँ थैली थी, ऊपर भी 2-3 थैलियां मैंने देखी। अच्छा, कि बाहर से गुजरते हुए पता नहीं क्यों यार यहाँ फेंका उन्होंने, किसने फेंका, लेकिन कहते हैं कि सदके लोग फेंकते हैं ना, लेकिन वो कहा जाता है वीरानों में फेंकना, क्योंकि वो बलाओं को टालता है, तो वो सदका बलाओं के लिए होता है। सही। तो आप चाहते हो कि बलाएं यहाँ पर आए जहाँ सदका आप फेंको? ये तो मैंने ही सुना कि भाई चौराहे पे फेंक दो आप, जहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना, वीराने में फेंको जहाँ कोई आता जाता ना हो। चौराहे भी ऐसा जहाँ पे इंसान ना गुजरते हो ना, मतलब चार रास्ते जाओ, और कुछ समंदर में, दरिया में,
कब्रिस्तान में कीड़े को और गोश्त की नियत से परिंदों को भी खिला दिया जाता है, किसी इंसान को भी दे दिया जाता है बोल के, सदका बोल के दिया जाता है जी, ये सदके का है, वो लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे नहीं ले, लेकिन आपने देना बोल के। तो इसी तरह ये यहाँ पर यार अजीब सी थैलियों को मैंने देखा, ये बड़ी मेरे ये बहुत हैरान हुए मैं, हम कितने से हो गए काम करते हुए, फर्स्ट टाइम देखा है हमने 13 साल में ये तेल को ऐसा सदका इस्तेमाल किया जा रहा है या ऐसी दरख्त लटका हुआ मिला है। तेल तो वैसे ही तो महंगा हो रहा है सजाद भाई, मतलब लगता है ऐसे कोई कोई अमल लगता है, कोई तेल यही लग रहा है मुझे, अमल लगता है। ये भाई बेचारे जो है कहते हैं रात को तो सर हम गेट पे अंदर ने, अच्छा कहते हैं हम गेट पे और सिर्फ इस दफातर इस जगह इस गोदाम के अंदर नहीं सराउंड में शिराज कई वाकयात इन्होंने बताया कि सांप जो है वो इंसान की तरह आके खड़ा हो गया सामने, अच्छा। बंदा बेहोश चीखे मारी बंदे कि सांप जो है ना जैसे इंसान नहीं खड़ा हो जाता, दो पांव पे इंसान है और मुंह उसका सांप, अच्छा ऐसे वाक्य भी उन्होंने कहते हैं हमने खुद उससे सुने जो बेहोश हुआ कि मैं गुजरा था बाहर से। एरिया सर एरिया इज वेरी डिस्टर्ब। अब सर ये हमें वाकयात बता रहे हैं, देखिए पीछे जो है इस जगह के जंगल था, इसके पीछे जंगल था और ये एक इनके गोदाम के साथ बाहर वॉशरूम है, अच्छी बात है, अच्छा बाहर वॉशरूम है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है ख्याल सा अंदर बढ़ो वजो, अच्छा मतलब समझ गया हूं मैं कि ख्याल से अंदर जाओ, जाओ। सर वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर क्या क्यों लिखा है, किसने लिखा है तो इस तरह से नहीं लिखा जिसके साथ हुआ होगा, मतलब यार दुआ लिख देते वॉशरूम जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल खुबसि वल खबाइस, वो लिख देते कि मैं पनाह चाहता हूँ खबीस शयातीन और खबीस जिन और खबीस जिनियों से। अब इन्होंने कहा ख्याल से मतलब ये रहता कि भाई एहतियात से जाना। अच्छा जी सर ये क्या देख रहे हैं, शीशा है क्या है? ये रूम लॉक, अच्छा ये रूम लॉक है, ये पता नहीं इनके ऑनर का था लेकिन ये वाहिद रूम था शिराज भाई जो शायद महीने दो महीने से इस्तेमाल नहीं हुआ था, बाकी जगह तकरीबन साफ थी, ये यहाँ पे हमें मट्टी की तह मट्टी के अच्छा। निशान साफ नहीं हुआ तो ज्यादा देर से बंद होगा फिर, बहुत टाइम से बंद, मेन डोर इसका बंद, ये हमने खिड़कियां खोली हैं तो हमें इधर हमने कुछ निशानात जो है ना उनको रिकॉर्ड किया। अच्छा ये बताइए ऑफिस है किस चीज का? यार रास्त तो कोचिंग सेंटर था, अच्छा उसके बाद जैसे वो व्यापारी नहीं होते फ्रूट के सब्जी के आरती 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 उन्होंने लिया वो है वहाँ पे उन्होंने लिया सही। अब सर वेकेंट सही उधर सब्जी मंडी करीब है ना तो उनका गोदाम बनाते जी, रहते जी, हैं यहाँ पर जो बना तो काफी सॉलिड बना हुआ है जी, है भी पुराना पुराना सॉलिड बना हुआ उसी माशाल्लाह चौकीदार बेचारे अपनी पूरी खिदमत दे रहे हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ तक उनका एक्सेस है सही और जहाँ एक्सेस नहीं है वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इधर कोई आया नहीं और कहते हम नहीं जाते, हमें कई आवाजें आ रही होती अंदर से अब हम देखते ही नहीं, जाना तो दूर की बात। सज्जाद भाई इतने वीराने में और ऐसी जगहों पे जब कोई आया जा नहीं सकता तो चौकीदार क्यों रखे हैं? यार दिन में तो जैसे थे ना वो कि भाई ऑफिस चलता है दिन के तो चौकीदार है, रात में तो आप पता है ना उस एरिया में ज्यादातर कोई लैंड माफिया भी इस तरह की चीजें भी कि भाई सिर्फ तामीलात चल तो रही है, कोई बंदा हो मतलब कोई ये ना सोचे कि भाई है ही नहीं सही, मतलब वो तो कोशिश कर रहे हैं कि चलता रहे कुछ होता रहे काम इसका मेरे ख्याल से। सर ये हमें वाकईतन इस जगह पर जो रूम था ना बंद वो तंग कर रहा था, वो हमें हम खुद हैरान थे कि ये शाम में ही वो चीजें हो रही थी जिसकी हमें समझ नहीं आ रही थी, आवाजें हम सुन रहे थे जी जानवरों की बच्चों की लेडीज की, हमने मतलब सुननी अपने कानों से सुन ली अच्छा। चौकीदारों की मौजूदगी में और वो कह रहे हैं सर सुन लें साहब देख लें और हम जो है ना बात यार वाकई ये तो आई है, मुझे लग रहा था कि यार अंदर बंदे हैं लोग हैं, मतलब एक चीज आपको बताई जा रही है और जब आप खुद फील कर लें सही और मौजूद भी वहीं पर ही है भाई वो मतलब ऐनुल यकीन जो है वो इल्मुल यकीन बन रहा हो आपका तो उसी वक्त सही आपको मैं अर्ज करूं कि शहर के तासुर पता चल रहे हैं आपके ना हैरानगी ताज्जुब के ना चेक करें आप सुहेल भाई के ना ये क्या भाई अंदर से आवाज आ रही है अंदर कोई है और मैं देख रहा हूं कि मेन डोर बंद है खिड़की से हम झांक रहे अंदर कोई नहीं
ये तो बहुत ताज्जुब वाली बात है। अभी लास्ट वाली आप एक जगह पे गए जहाँ पे ऐसा लग रहा है आप मजमे में चल रहे हो, कोई भी नहीं था, ऐसे बारात में चल रहे हैं या कुछ बारात से हो रहा याद है। आए शिराज भाई, ऐसे ढोल की आवाज नहीं सुनी होगी कभी आपने यहाँ पे। सर एक बीट होती है ना, बीट बाकायदा ढोल की, सर वो बीट ही समझ से बाहर थी। वो बीट है कहाँ की, किसकी बीट है? अच्छा, बच्चे और ढोल। अच्छा, मुझे तो लगा एक टाइम पे अंदर क्लास चल रही है, कोई नर्सरी है, कोई लेडीज और बच्चों की, सर कोई फंक्शन चल रहा होगा। सुना है बरातें होती हैं, चीजें होती हैं, बीट मतलब इन लोगों की भी तो होती है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि वो बीट जो हमने इंसान ही नहीं थी, वो हमने आज से पहले नहीं सुनी थी। अजीब सी बीट, मतलब उसका कोई साज ही नहीं। अच्छा, एक साज होता है ना, सर अजीब बीट, शोर था बेसिकली। ढोल वाले आजकल शादी सीजन चल रहा है, मखसूस बीट बजा रहे होते हैं। हम किसने किसी धमाके सुनी है माशाल्लाह, वो तो बंदे को मौजदारी हो जाती है जी जी, लेकिन ये आपको वो तकलीफ दे रही थी बीट ऐसी। अच्छा, छतों पे हमें लग रहा था कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, और ये सब हमें चौकीदार जो बताया सो बताया, उससे ज्यादा हमने खुद एक्सपीरियंस कर लिया वहां पे। उन्होंने इतना कुछ नहीं बताया जितना हम लोग ने महसूस कर लिया। ये देखें तो सही हाल हमारा, वो अंदर नहीं रहते ना। ये अभी शुरुआत थी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये सर बिल्कुल आगाज ही था बिल्कुल कि ये हो क्या रहा है। मतलब चौकीदारों से हमने बात की, अच्छा जी दिन वाले तो शायद मगरिब से पहले ही चले गए थे, सही, उनको दूर जाना था। रात वाले को हम उन्होंने कहा रुखसत, मैं जा रहा हूँ गेट पे, हम इधर चल के आए हैं, और हमने कहा यार ये हो क्या रहा है। बड़ी एक्टिव जगह है, बहुत 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 सर बहुत। आप अंदाजा हो रहा होगा, तस्वीर से बहुत चल रहा है वो। मैं कहता हूँ ना कि हम बताएं क्या, दिखाएं आपको ना, सही। मतलब जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी आप समझेंगे इसी दौरान किसी की आवाज आए यहाँ पर तो हम पर क्या गुजरेगी। सजा भाई आपको पता है, लोगों ने खुद ही बताया कि हम दोनों के अलावा भी बहुत सी वीडियो में आवाजें गई हैं। हुआ है वैसे, हम नहीं सुन सके, हम कानों से नहीं सुन सके। हुआ है वैसे, लेकिन अभी आप सोचें कि जी अभी कोई हो तो हम पर क्या एक्सप्रेशन होंगे, हमारे क्या तासुरात होंगे यार। तो वो चीज है ना, हो रही थी, हो रही। तो इंशाल्लाह जी आपको सिर्फ बताएंगे नहीं, दिखाएंगे, और मैं चाहूंगा कि देखने के बाद जो हमारी बात हो इस पे होगी बात, बहुत बात होगी इस पे। और एक और समझ लें, नया तजर्बा, नई चीजें सामने आई, समझे सीखे, इंशाल्लाह जल्द आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।